पेपर होगा। नहीं नहीं नहीं, ये नाटक किस पर होगा? नाटक होगा, नाटक होगा, साक्षरता पे नाटक होगा। साक्षरता? जी हाँ, साक्षरता। तो मेहरबान कदरदार और हमारे भाईजान, आज सबको हमारा प्रणाम। आज नुक्कड़ के माध्यम से हम आपको समाज में होने वाले शिक्षा के निम्न स्तर दर्शाएंगे। जी मैम साहब, अभी लेकर आता हूँ। मम्मी, ये तो पीछे रहने वाले झुग्गियों में चिंटू जैसा लग रहा है ना? मुझे भी लग रहा था कि ये वो चिंटू ही है। ये लीजिए मैम। यहाँ रहने वाले चिंटू ही हो ना? हाँ मैं वही चिंटू हूँ, तो झुग्गियों में रहता हूँ। तो तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, यहाँ क्यों काम कर रहे हो? मेरे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मैं उठा सके। कोई बात नहीं, काम करते हम तुम्हारे माता पिता से ही बात करते हैं। चलो चलो। चिंटू ये कौन है? माँ अच्छे सुनते हो? हाँ कौन आया है? नमस्ते। नमस्ते, आप कौन? आप ही का बेटा है ये चिंटू? हाँ चिंटू हमारा ही बेटा है। तो ये ढाबे पे क्यों काम करता है, पढ़ाई क्यों नहीं करता? अरे मैम साहब, हमारे पास इतना पैसा कहाँ, जो हम चिंटू के स्कूल के पैसे, इसके कपड़े, इसकी किताबें हम लोग कहाँ से लेंगे? हमारे पास तो दो वक्त की रोटी नहीं होती खाने के। तो आपको सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पता नहीं है क्या? सर्व भिक्षा अभियान? शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान 2009 में बनाया गया था, 1 अप्रैल 2010 में लागू भी कर दिया गया। इसके तहत 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं, उन सबको मुफ्त में शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। साथ ही साथ दिन में एक वक्त का भोजन, कपड़े और कुछ छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है। आप भी चिंटू का नाम लिखा है? अजी सुनते हो, ऐसा है तो हम चिंटू का आज ही दाखिला करवा दें। हाँ जरूर। चिंटू के माता पिता तो इसकी पढ़ाई के लिए राजी हो गए, पर अब सबको पढ़ाई के लिए जागरूक करने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि ऐसे एक चिंटू हर गांव हर मोहल्ले में है जो पढ़ाई से वंचित रह जाता है। तो आइए एक कदम बढ़ाएं, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इस नाटक के माध्यम से अब आप ये तो समझ गए होंगे कि साक्षरता क्या होती है, पर आगे समझने के लिए देखते हैं आगे।